दोस्तों आज Xiaomi ने चाइना में अपने एक लॉन्च इवेंट में एक नया फोन Redmi Pro लॉन्च कर दिया है और मैं आज आपसे इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाला हूं और अपने ओपिनियंस शेयर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो Xiaomi का फोन है जो आज लॉन्च हुआ है 27 जुलाई को, ये पिछले काफी टाइम से रूमर्ड था, उसके बाद में कुछ ऑफिशियल फोटोज भी इस फोन की आ गई थी और फाइनली ये जो फोन है Redmi Pro, इसको आज Xiaomi ने लॉन्च कर दिया है चाइना में। ये फोन आप 8 अगस्त से ले पाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चाइना में। अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, फोन की प्राइस के बारे में, और उसके बाद में थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि फोन इंडिया में कब तक आ सकता है और अगर ये फोन इंडिया में आता है तो आपको इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। देखिए जो फोन है Xiaomi का Redmi Pro, ये Redmi 4 नहीं है, ये एक अलग कैटेगरी Xiaomi ने स्टार्ट किया, जिसको नाम दिया है अपना प्रो लाइनअप। अगर हम बात करें इस फोन के स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक ऑल मेटल डिजाइन जैसे कि Xiaomi के फोन्स में होता है पिछले काफी समय से। उसके अलावा आपको देखने को मिलता है इसके अंदर एक 5.5 इंच का फुल HD OLED डिस्प्ले। ये IPS नहीं है, ये OLED है, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा आपको इस फोन में पीछे की तरफ दो कैमरास मिलते हैं, एक है 13 मेगापिक्सल का सोनी का IMX258 सेंसर वाला कैमरा, जहां पे आपको 1/3 इंच का सेंसर मिलता है। उसके अलावा जो पिक्सल साइज है वो है 1.12 माइक्रॉन का। जो सेकेंडरी कैमरा है दोस्तों, वहां पे आपको एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। बेसिकली वो जो कैमरा है वो एज अ डेप्थ सेंसर काम करता है। आपने देखा है कि LG में जो आपको मिलता था सेकेंडरी कैमरा वो वाइड एंगल काम करता था, Huawei में जो आपको मिलता है P9 या P9 प्लस में सेकेंडरी कैमरा वो वहां पे एक मोनोक्रोम कैमरा था जो कि ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स कैप्चर करता है, जो लो लाइट के अंदर काफी अच्छी हो जाती हैं। इसी तरीके से जो HTC का 1M8 था, वहां पे आपको जो सेकेंडरी कैमरा मिलता था वो काम करता था एज अ डेप्थ सेंसर का। तो Xiaomi ने यहां पे जो अप्रोच रखी है ड्यूअल कैमरा की, वो रखी है डेप्थ सेंसर के रूप में। तो ऐसे में आपको जो एक आर्टिफिशियल बोके इफेक्ट देखने को मिलता है, जो आप अपनी इमेजेस में थोड़ा बहुत और एडिटिंग कर सकते हैं उस डेप्थ को लेके, तो वो काम ये कर लेगा सेकेंडरी कैमरा, जिसका रेजोल्यूशन है 5 मेगापिक्सल का। उसके अलावा आपको मिलता है एक ड्यूअल टोन LED फ्लैश। फोन की जो बैटरी है दोस्तों वो है 4050 mAh की, यानी कि बिल्कुल सेम है Redmi Note 3 की तरह। उसके अलावा आपको इसके अंदर टाइप सी पोर्ट मिलता है और पीछे की तरफ आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिलता है फोन में सामने की तरफ, जहां पे आपको सिरेमिक का ऊपर जो है डिजाइन दिया गया, जिससे जो स्क्रैचेस वगैरह है वो वहां पे नहीं आएंगे बड़ी आसानी से। उसके अलावा इस फोन में जो सिम स्लॉट्स हैं, आपको पता है Xiaomi का टिपिकल स्टाइल, आपको मिलता है एक हाइब्रिड सिम स्लॉट, ऊपर की तरफ आपको नॉर्मल IR ब्लास्टर वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है। लेकिन इसमें जो प्रोसेसर है वहां पे आपको अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। यहां पे आपको इस फोन में टोटल मिलते हैं 3 वेरिएंट्स। जो बेस वेरिएंट है उसकी प्राइस है 1499 चाइनीज युआन, या फिर करीब 15,000 इंडियन रुपीस। यहां पे आपको देखने को मिलेगा एक MediaTek का X20 प्रोसेसर, साथ में आपको मिलेगी 3GB की रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज। अब इसके अलावा जो दो मॉडल्स हैं उनमें आपको मिलता है MediaTek का X25, तो उसमें जो दो वेरिएशंस हैं वो ये है कि आपको एक मॉडल में मिलेगा X25 3GB की रैम और 64GB की स्टोरेज, और एक दूसरा वेरिएंट है जो सबसे हाई एंड वेरिएंट है, वहां पे आपको मिलेगा X25 4GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज। इन दोनों की जो प्राइस है वो करीब 17,000 और 20,000 रुपीस के आसपास है, यानी करीब 1699 और 1999 युआन है। तो यहां पे तीन वेरिएंट्स हैं, 15,000, 17,000 और 20,000। आपको मिलेगा X20, X25, 3GB RAM, 4GB RAM, 32GB स्टोरेज, 64GB स्टोरेज और 128GB की स्टोरेज। यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मिलता है, जो कि Xiaomi कहता है कि एक वाइड एंगल कैमरा है और काफी आपको आर्टिस्टिक इफेक्ट्स दिखाए गए हैं यहाँ पे, कि DSLR की तरह आप बोके इफेक्ट वाली फोटोज को कैसे कैप्चर कर सकते हैं इस ड्यूअल कैमरा सेटअप के साथ में। अब दोस्तों देखिए, एक बात तो मैं आपसे पहले क्लियर कर दूं कि ये फोन जब इंडिया में आएगा तो यहां पे आपको MediaTek देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि Xiaomi इंडिया में MediaTek वाले फोन्स लॉन्च नहीं कर सकता है। आपने देखा है Redmi Note 3 के साथ में कि जो चाइना का वेरिएंट था वहां पे था X10, लेकिन आपको इंडिया में मिला Snapdragon 650। तो इसी तरीके से आपको इस फोन में भी जब इंडिया में आता है तो कुछ Snapdragon का ही प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। अब Snapdragon का प्रोसेसर कौन सा होगा, फोन की प्राइस क्या होगी, अगर हम इसके बारे में गेस्ट लगाएं, या फिर सबसे पहले ये बात कि फोन आपको इंडिया में देखने को कब मिलेगा, तो मेरे ख्याल से ये फोन आपको दिवाली के आसपास शायद इंडिया में देखने को मिल जाए, यानी कि करीब 2 महीने के बाद हो सकता है ये फोन लॉन्च हो जाए। हो सकता है आपको इसके अंदर Snapdragon का 652 देखने को मिल जाए, और 650 करेंगे तो वो तो Redmi Note 3 वाला हो जाएगा, फिर क्या पता ये फिर स्क्रीन को और फिर कैमरा को एक USP बनाते हुए इस फोन को लेके आएंगे। लेकिन हाँ, ये फोन काफी प्रॉमिसिंग है और OLED डिस्प्ले है, तो ऐसे में जो बैटरी लाइफ है वो भी काफी कमाल की होने वाली है। हालांकि MediaTek का जो X25
X20 है या फिर X25 है वो खराब चिपसेट्स नहीं है, वो काफी अच्छे चिपसेट्स हैं। यहाँ पे आपको 10 अलग अलग कोर्स देखने को मिलती हैं, दो जो हाई पावर्ड कोर्स हैं दोस्तों वो काम करती हैं कॉर्टेक्स A72 बेस्ड आर्किटेक्चर के ऊपर, और जो बाकी 8 लो पावर्ड कोर्स हैं उनको दो अलग अलग क्वाड कोर क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है। हालांकि सभी के सभी कॉर्टेक्स A53 बेस्ड हैं, लेकिन फिर भी आपको उसमें जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो अलग मिलता है। बेसिकली आपको 3 अलग अलग क्लस्टर्स मिल जाते हैं अलग अलग टाइप में अलग अलग टास्क को काम में पूरा करने के लिए। अब ऐसे में Xiaomi का जो Redmi Pro है वो काफी प्रॉमिसिंग फोन लगता है। अगर इंडिया में टाइम पे लॉन्च हो जाता है, सही प्राइस पे लॉन्च हो जाता है, तो ऐसे में फोन काफी अच्छा होगा। लेकिन फिर भी मुझे डाउट हल्का सा है कैमरा क्वालिटी को लेके। हालांकि कैमरा क्वालिटी सोनी का IMX258 है, ये आपको सेम कैमरा Xiaomi का MI4C था उसके अंदर देखने को मिल गया था। उसके अलावा यही सेम कैमरा है जो आपको Xperia XA में भी देखने को मिल जाता है। लेकिन फिर भी Redmi Note 3 में कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, वो एक एवरेजिस कैमरा था। तो ऐसे में ये फोन जो है अपने ड्यूअल कैमरा सेटअप के साथ में किस तरीके से आपको दे पाता है अपनी इमेज क्वालिटी, तो वो ही देखने वाली बात होगी। उसके अलावा एज ऑलवेज आपको पता है कि Xiaomi प्रोडक्ट्स काफी अच्छे होते हैं, आपको कम पैसे में अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। डिजाइन जो इसका काफी अच्छा है, ब्रश्ड एल्यूमिनियम फील के साथ में USB टाइप से आपको नीचे पोर्ट मिल जाता है, तो ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, फोन काफी प्रॉमिसिंग है। लेकिन दो ही बातें क्वेश्चन मार्क हैं, प्राइस, अवेलेबिलिटी और इंडिया में इस फोन की एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी और कौन सा वेरिएंट Xiaomi लॉन्च करेगा और ये फोन स्टॉक में होगा या फिर नहीं होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि Xiaomi Redmi Pro के बारे में आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पे इसी तरह की टेक वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।